तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है डिजिटल टीच। तो गाइस, ये अभी आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा सा एक बॉक्स रखा हुआ है मेरे सामने। गाइस, जनरली ये एक शू रैक है, और गाइस इसे आप क्लॉथ रैक भी कह सकते हो। और गाइस, ये मुझे मिला है 297, इसका प्राइस था 440 रुपीज। मैं यहाँ पर डिलीवरी चार्ज पे किया हूँ, तो टोटली मुझे 337 में ये रिसीव हुआ है। और गाइस, अगर आप इसे अगर मार्केट में लेने जाओगे, या फिर अगर आप इस तरह से जनरली नॉर्मल डेज में अगर आप इसे लेते हो, तो आपको ये 499 का पड़ेगा, और प्लस 40 रुपीज डिलीवरी चार्ज ऊपर से। तो गाइज, ये मुझे सस्ते में मिल गया, क्योंकि गाइज टेलीग्राम पे मैं ऑफर बताते रहता हूँ। और गाइज, अगर आप भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए हुए हो, तो आपको भी ऑफर सब पता चलता रहेगा, जहां से आप भी बहुत सस्ते में प्रोडक्ट को लूट सकते हो। तो गाइज, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी को, किस तरह का ये आया है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। और गाइज, आपको अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ। आप देखते हो, अमेजोन का ये पहला बार मुझे ऐसा हुआ है कि यहाँ पर आप देखते हो कि ये इनवेलप टाइप का कुछ यहाँ पर चिपका कर इन्होंने मुझे दिया है। तो इसे मैं पहले देख लेता हूँ कि ये क्या चीज है। तो चलिए इसे पहले काट के निकालते हैं, फिर देखते हैं ये क्या चीज है। तो गाइज, इसे मैंने कट कर लिया है, और अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर अमेजोन की तरफ से एक इनवेलप है। और गाइज, इस इन्वेलप के अंदर चलिए देखते हैं क्या चीज़ है। तो इसके अंदर मुझे लग रहा है ये बिल है शायद। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं बिल को। तो इसे भी मैं खोल लेता हूँ। और गाइज, खोलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा नाम यहाँ पर अनिकेत कुमार लिखा हुआ है। और गाइज, चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो 337 का मुझे पड़ा है, 297 इसका प्राइस था, 40 रुपीज़ मैंने यहाँ पर डिलीवरी चार्ज पे किया था। और गाइज, यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम भी देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो 4 सेल्फ्स हैं इसमें। तो चलिए इसे अब अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं आगे इसकी क्वालिटी को। तो इसे मैं पहले काट कर यहाँ पर साइड कर लेता हूँ इसे। और गाइज, इसके अंदर अब ये कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। अब ये इनवेलप यहाँ पर खाली हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इनवेलप अब ये यहाँ पर खाली हो चुका है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइज, अब इसे मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हो, इसे मैंने यहाँ पर खोल लिया है। तो चलिए इसके अंदर से निकालते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो गाइज, इसके अंदर से एक ये निकला है, और भी आइए देखते हैं इसके अंदर और क्या है। तो चलिए इसके अंदर से और प्रोडक्ट को भी निकालते हैं। तो गाइज, इसके अंदर से कुछ ये प्लास्टिक के पाइप निकले हैं, आप देखते हो काफ़ी बड़े पाइप्स हैं ये। तो गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं पूरा एक बार दिखा देता हूँ पाइप। आपको मैं कैमरा ऊपर करके एक बार दिखा देता हूँ पूरा पाइप। आप देखते हो ये कुछ बड़े पाइप्स यहाँ पर हमें रिसीव हुए हैं। इसे मैं साइड में रखता हूँ, और गाइज मैं अभी इसे इंस्टॉल करके भी आपको दिखा दूंगा। ये कुछ और पाइप्स हैं इसके अंदर, आप देख सकते हो, ये पाइप्स को भी मैं साइड में रखता हूँ। और चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर और भी है, निकालता हूँ। तो गाइज, ये आप देखते हो फिर से है कि इसके अंदर। तो गाइज, टोटली जो प्रोडक्ट इसके अंदर से, मैं पहले पर चेक कर लेता हूँ। तो गाइज, अब इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये अब इस बॉक्स खाली है। तो चलिए बॉक्स को करते हैं साइड में, और आपको मैं दिखाता हूँ प्रोडक्ट। तो गाइज, टोटली इस बॉक्स के अंदर से हमें जो प्रोडक्ट मिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टोटली हमें कुछ ये सब प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं इसके अंदर से। तो चलिए अब इसे भी बाहर निकालते हैं, और इसको अब इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर प्लास्टिक को साइड में रखता हूँ, और इस स्टैंड को पहले मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइज, आप देख सकते हो ये प्लास्टिक है इसके अंदर से, और आप देख सकते हो यहाँ पर ये पाइप्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, यहाँ पर ये तीन तीन करके इस तरह से दिए गए हैं यहाँ पर पाइप फिटिंग के लिए। तो गाइज, अगर आपको बच्चे के लिए रखना है, बच्चे का शूज अगर आप यहाँ पे रखना चाहते हो, तो आप जो ये दो डॉट देख रहे हो, इससे लेकर के आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें भी इस तरह का नजदीक में यहाँ पर ये डॉट है, आप इसमें लगा दीजिए। तो इसके लिए आप बच्चे का रख सकते हो, और बड़ों का रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हो। और हील वाली सैंडल रखनी है तो आप एक ऊपर में एक नीचे में लगाइए, एक ऊपर में एक यहाँ ऊपर में लगाइए, एक नीचे में लगाइए, यहाँ पर डायगोनली करके लगा सकते हो। तो इस तरह से इसमें रखा जाता है। तो चलिए पहले मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। तो
चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। तो गाइज इंस्टॉल करने के लिए, तो गाइज ये आप देखते हो यहाँ पर ये क्लिप है, इसमें कुछ इस तरह का क्लिप है यहाँ पर, जिससे कि ये अटैच होगा दूसरे से। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखते हो कुछ इस तरह से इसे अटैच करना है। मैं पहले यहाँ अटैच करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ इसे अटैच करके। तो गाइज यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे गैप बने हुए हैं दोनों साइड। तो आपको करना क्या है, सिंपली आप इसमें बस इसे फंसा दीजिए, और फंसा करके आप इसको, आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्लिप है, तो आप इसे थोड़ा सा आगे की तरफ धकेलोगे तो ये आगे की तरफ आके कुछ इस तरह से लॉक हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आगे की तरफ आ चुका है, और आगे की तरफ आके कुछ इस तरह से यहाँ पर ये, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये नहीं हिल रहा है, कुछ इस तरह से ये लॉक हो करके यहाँ पर आपका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा। तो आप देखते हो कुछ एक इस तरह से एक फ्रेम तैयार हो गया है। तो पहले मैं दोनों फ्रेम को तैयार करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पाइप किस तरह फिट करना है। आप देखते हो ये पाइप है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये छेद है, तो सिंपली आप किसी में भी इसे इस तरह से पकड़ के आप सिंपली थोड़ा सा इसे प्रेस कीजिए, बस यहाँ पर ये अंदर चला जाएगा। आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पर ये फिट हो चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर फिट हो चुका है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको दूसरा किस तरह लगाना है। तो एक आपको इस तरह से लगा लेना है, फिर आप दूसरे को यहाँ रखिए, दूसरे को रख करके आप सिंपली दूसरे में भी आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से कुछ आप करके दूसरे में भी आप यहाँ पर फंसा दीजिए। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, आप देख सकते हो एक यहाँ पर मैंने पाइप फिट कर दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो एक पाइप यहाँ पर फिट हो चुका है। तो अब मैं बाकी का पाइप फिट करता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज अब आप देख सकते हो मैंने इसे पूरा इंस्टॉल कर लिया है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह का दिख रहा है। तो गाइज कुछ इस तरह का ये अभी दिख रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और गाइज यहाँ पर ये तीन क्लिप था, मैंने ऊपर वाले में यहाँ पर इसे फिट किया है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसे ऊपर वाले में फिट कर दिया है। और गाइज अगर आप एक पैक लेते हो तो आपको कुछ इतना बड़ा, आप देख सकते हो इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप दो पैक लेते हो तो इसका आप हाइट डबल कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना चाहो उतना लेकर के। आपको करना क्या है, सिंपली आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये लॉक, इस लॉक में आप वहां पर उसे फंसा दीजिए, और फंसा करके और आप इसके ऊपर से और भी रैक सेट कर सकते हो। तो गाइज बहुत सिंपल है, इस तरह से आप यहाँ पर और भी कर सकते हो। तो गाइज यही था ये अनबॉक्सिंग जो कि मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो गाइज इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप चाहो तो एक बार इसे चेक कर लेना, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे ढेर सारे लूट वीडियोस मिलते हैं, और टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Get the party.
don't forget to subscribe Digital Teach YouTube channel and also hit the bell icon and never miss updates. Thank you so much. We will meet soon. Like and share our video. Get the party.